आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। जी हाँ, और उसी विजन को पूरा करने के लिए हम लोग अभी FR की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में पढ़ा अभी तक, और भी बाकी वीडियोस आपको मिले होंगे। अभी इंडियस हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर हम लोग इसका क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्पेशली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, हमें स्टडी मटेरियल से इसके क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी मटेरियल से इसका क्वेश्चन। ये आपका कहाँ मिलेगा? Chapter 4 इंडियस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट? इंडियस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिट वन का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल इज इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस वन। इसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका हमने थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सीधा इसके क्वेश्चन की तरफ। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं और हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, इसमें इलस्ट्रेशन टोटल है 13, और टेस्ट योर नॉलेज जो कि लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो 4 है। तो अपने ये दोनों का कवर करेंगे, दैट विल कम अराउंड 17। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, वी नीड टू गो डाउन, इट इज नियर अबाउट। Yeah, got it. This is illustration 1. We will do this. Illustration number 1. Start karte bhi yahan se. An entity prepares its financial statement that contains an explicit and unreserved statement of compliance with the IND. हम लोग हमारा अप्रोच कैसे रहेगा? पहले हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, आंसर्स ऑटोमेटिकली हमें वहीं से निकल जाएगा। We will not run to the solution. First of all, what we need to do is to understand the question first. तो पहले हम लोग questions को समझेंगे. So this suppose this is a question, and what we will do, we will dig into it. पूरी तरीके से इसके अंदर पूरी तरीके से analyze करेंगे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, फिर answer की तरफ बढ़ेंगे। इससे आपको question ज़्यादा समझ में आएगा, जो कि एक बेटर ऑप्शन है आंसर को समझने के लिए। हमें आंसर नहीं समझना है, क्वेश्चन समझना है। अगर हम क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक विल बी बेटर ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कुछ और है तो यू कैन टेल मी। मैं पूरा फोकस क्वेश्चंस पे ज्यादा करता हूँ। ओके, तो एन एंटिटी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है दैट कंटेन्स एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व मतलब विदाउट एनी कंडीशन, और एक्सप्लिसिट मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट है, और अनरिजर्व मतलब विदाउट एनी कंडीशन। अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंड एस वन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, यहाँ पे ये समझिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या होता है, कि हमने कंप्लाई किया है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये बताएगा कि हमने कंप्लाई किया है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विथ इंडियस। तो इंडियस के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। हमने इंडियस में पढ़ा हुआ था कि जब आप सारे इंडियस फॉलो करते हो, आप अगर आपका मैनेजमेंट समझता है कि मैं सारा इंडियस फॉलो कर रहा हूँ, तो वो आप एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू करते हैं। जैसे हमने बात भी की थी ITC की, ठीक है, तो वही बोल रहे। ओके, तो एन एंटिटी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंटेन करता है, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस दिया हुआ है। हाउएवर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स अ क्वालिफिकेशन। ओहो, जो जबकि ऑडिटर का जो रिपोर्ट आ रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई देखो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया, आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंडियस, लेकिन भाई साहब हम लोग हैं ऑडिटर। सपोज करिए आप ऑडिटर, आप बोले भाई आपने दिया है ना यार, रुको हमको चेक कर दो, अगर हमको लगा गलत है, अगर कोई हमको लग रहा है कोई इसमें दिक्कत है, तो आई विल इशू क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हाउएवर द ऑडिटर्स, यहाँ पे ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है अभी तक जो क्वेश्चन बोला। हाउएवर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स अ क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब वो डिसएग्री कर दिया एप्लीकेशन ऑफ
वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन पे जिस तरीके से आपने उसको अप्लाई किया है, क्या वो सही जगह अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ये ऑडिटर का क्वेश्चन कि आपने उसको सही जगह अप्लाई नहीं किया. एप्लीकेशन ऑफ वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट द ऑडिटर इज सेइंग. मतलब वो डिसएग्री कर रहा है तो बोल रहा है कि वो गलत है, एप्लीकेशन ऑफ वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इन सच केस इज इट एक्सेप्टेबल, अब हमारे लिए क्या क्वेश्चन है, इन सच केस इज इट एक्सेप्टेबल फॉर द एंटिटी टू मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंड एज. इन सच केस इज इट एक्सेप्टेबल, आप बताइए क्या ये मंजूर है एक एंटिटी को टू मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंड एज. क्या एक एंटिटी को, सपोज करिए ये एक एंटिटी है, इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू कर दिया है, ठीक है, तो क्या इन्होंने सही किया है, इज इट is in such case is it acceptable, क्या ये acceptable है for the entity to make an explicit, तो क्या वो entity के लिए acceptable है, मतलब आप मान जाओगे कि उन्होंने सही किया है, so what will be the answer. अब वही query है कि इन्होंने statement of compliance दे दिया लेकिन auditor साहब आए और वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. auditor report बोला, auditor's report क्या बोला, वो disagree है, disagree on what, application of one accounting standard. तो एक पे वो disagree कर गया, तो question बस ये पूछ रहा है कि is it acceptable for the entity to make an explicit and unreserved statement. तो आपको बताना है कि auditor कुछ और बोल रहा है, company क्या कुछ और बोल सकती है या नहीं बोल सकती है, so आपको ये बताना है. तो चलिए answer की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया एकदम डिटेल में. अब सॉल्यूशन, इज इट एक्सेप्टेबल फॉर द एंटिटी टू मेक एन, आंसर के लिए दूसरा इंक यूज करते हैं, या इज इट एक्सेप्टेबल, बड़ा नहीं, इज इट, क्वेश्चन हो गया. आप सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन पे चलते हैं. सॉल्यूशन, यस इट इज पॉसिबल फॉर एन एंटिटी टू मेक एन अनरिजर्व्ड एंड एक्सप्लिसिट. जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक एंटिटी इशू कर सकती है unreserved explicit statement of compliance with Ind AS, even though, that is the most important line, even though the auditor's report contains a qualification because of the disagreement of the application of Indian accounting standard at the preparation of financial statement is a prerogative of the management. अब ये बोल रहा है कि ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है ना कि भाई हम कैसे अप्लाई करें कैसे नहीं अप्लाई करें, और आप आके बोल लो कि हम डिसएग्री कर रहे हैं अग्री कर रहे हैं, दैट इज योर ओपिनियन. लेकिन जब हम एज अ मैनेजमेंट, अगर मैं मैनेजमेंट हूं, अगर मैं सोचता हूं कि मैंने सही अप्लाई किया, देन आई विल इशू स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं उसमें. तो वही है कि यस इट इज पॉसिबल, तो वही केस यहां पे हुआ. इनकेस द मैनेजमेंट हैज बोनाफाइड रीजन टू बिलीव दैट इट हैज कंप्लाइड विद द ऑल इन, वही बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट के पास एक अच्छा खासा रीजन है कि वो बोल रहा है, देखो हर चीज का एप्लीकेशन कहां कैसे होगा, दैट विल बी, दैट इज द मैटर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव मैटर है कि आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे सही है, ये अजम्पशन सही है वो अजम्पशन सही है, तो यही यहां पे है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो ये हो सकता है, इट कैन मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. तो ओवरऑल स्टोरी क्या है कि ऑडिटर भाई साहब आप जो कर रहे हो आपका मर्जी, हम जो करेंगे हमारा मर्जी, तो आप इश्यू कर सकते हो एसओसी इवन दो ऑडिटर्स रिपोर्ट डिसएग्री. ओके, तो ये रहा आपका एक आंसर, और हम लोग बात करेंगे दूसरे आंसर की तरफ. अगला, ये क्वेश्चन गोइंग कंसर्न पे, इलस्ट्रेशन लंबा, इलस्ट्रेशन है लंबा क्वेश्चन है, इवन से इलस्ट्रेशन टू. एंटिटी एक्स वाई जेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्लास्टिक प्रोडक्ट फॉर द लोकल मार्केट, ठीक है. ऑन 1st April द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट अनएक्सपेक्टेडली अबॉलिशेस ऑल द इम्पोर्ट टैरिफ. इम्पोर्ट का मतलब माल आना, सारा इम्पोर्ट ड्यूटी उसने हटा दिया, इंक्लूडिंग द 40% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्टेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. सारे के सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट पे जो 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा था वो भी साथ साथ हट गया. मेनी अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाई द न्यू गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द वैल्यू ऑफ द करेंसी यूनिट. और बोला कि बहुत सारे और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हैं नई गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी, करेंसी यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, करेंसी यूनिट, एप्रिशिएटिंग सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट मोस्ट अदर करेंसीज. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि और भी बहुत सारे रिफॉर्म गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं जिससे कि रुपये की वैल्यू, रुपया मजबूत हो रहा है, मतलब $1 इज इक्वल टू रुपये की ताकत बढ़ रही है.
The currency appreciation severely reduced the competitiveness of the entity's product. अब जब currency का appreciation हो गया तो उससे बहुत ज़्यादा reduce हो गया competitiveness जो था market में, Indian market में. So अब आगे देखते हैं, before 2006 entity XYZ was profitable. वॉज लिख दिया ना यार, यहीं से दुख फील हो जाना चाहिए आपको कि भाई 2006 की बात है, एक्स वाई जेड जो है प्रॉफिटेबल थी. अब देखते हैं, हाउ एवर, ये वर्ड बहुत ही खतरनाक है, हाउ एवर बिकॉज इट वॉज अनएबल टू कम्पीट विथ लो प्राइज इम्पोर्ट एंटिटी एक्स वाई जेड रिपोर्टेड अ लॉस. करेंसी यूनिट 4000 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2007. एट मार्च 2007 एंटिटी एक्स वाई जेड इक्विटी वॉज this much unit, okay, 1000 currency unit. Management restructures entities B's operation in the second quarter of 2007. उन्होंने restructure किया equity 1000 currency unit था. So फिर restructuring help reduce losses for the third and fourth quarter currency unit. तो third और fourth quarter में क्या हुआ, currency unit 400 और 380 से reduce हो गया loss. फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी कहानी बस यही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हट गया, दाम बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, अभी प्रॉफिट से लॉस में आ गए और बहुत ही ज़्यादा इक्विटी का वैल्यू भी रिड्यूस हो गया, तो अभी रिस्ट्रक्चरिंग करके अभी मैनेज कर रहे हैं. आगे मेन क्वेश्चन अभी आएगा. इन जनवरी 2007 द लोकल प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड लेबर यूनियन लॉबीड गवर्नमेंट टू रीइंस्टेट टैरिफ्स ऑन द प्लास्टिक. भैया चलो दिल्ली वाला आंदोलन शुरू हो गया, चलो दिल्ली, मतलब डेमोक्रेसी है भाई, सबको अपना अपना हक है, तो उसी के तहत इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत कुछ ऐसा होता है. तो लेबर यूनियन गवर्नमेंट को घेरने लगा, मतलब आंदोलन शुरू हो गया. तो उसको देखते हुए मार्च 2007 में द गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट वुड री इंट्रोड्यूस लिमिटेड प्लास्टिक इम्पोर्ट टैरिफ इन 2008. भैया मोदी सरकार जो थी वो मान गई कि अच्छा ठीक है, हम लोग फिर से उसको इम्पोर्ट ड्यूटी री इंट्रोड्यूस कर देते. However, it emphasized that those tariffs would not be as protective as the tariff enacted by the previous government. हालांकि जो कि previous government थी उसके हिसाब से, मतलब जो previous government ने import duty लगाई थी और इन्होंने जो हटा दिया, जो अभी reintroduced होगा वो उतना protective नहीं होगा, मतलब उतना तगड़ा, ज़्यादा वो tariff duty नहीं लगाएंगे, मतलब nominal से लगाएंगे. In its latest economic forecast, the government predicts a stable currency exchange rate in short term with a gradual weakening of the judiciary currency in the longer term. और एक और forecast government ने किया कि भाई आने वाले समय में हमारी currency की value long term में थोड़ी सी weak होगी लेकिन short term में ठीक ठाक रहेगी. Management of entity XYZ undertook a going concern. अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका question. ये कहानी ऊपर आपने सुन ली, अब question सुनिए. मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एक्स वाई जेड अंडर टू का गोइंग कंसर्न असेसमेंट 31 मार्च 2007 को उन्होंने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया कि भैया हमारी इतनी भयंकर, मतलब लॉस में आ गए, क्या हम गोइंग कंसर्न, मतलब हम सर्वाइव कर पाएंगे इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में या नहीं, तो वो देखना है. तो उन्होंने गोइंग कंसर्न, अभी एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है. तो क्या अंडर टू का गोइंग कंसर्न, उन्होंने बोला कि भाई देखते हैं गोइंग कंसर्न करके कि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं है या नहीं, मेरा सर्वाइवल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. चलिए, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स फोरकास्ट दैट इम्पोजिशन ऑफ 10% टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वुड एट करंट एक्सचेंज रेट्स रिजल्ट इन एंटिटी एक्सवाइज रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबिलिटी. तो उन्होंने जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया तो उनका मानना था कि अगर 10% भी, पहले 40% था, अभी 10% भी अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है और इसी करंट एक्सचेंज रेट से काम चलता रहा तो हमारी एंटिटी प्रॉफिटेबल हो जाएगी. तो ये उनका असेसमेंट था 2007 में गोइंग कंसर्न का. हाउ शुड, अब क्वेश्चन सुनिए, हाउ आ गया, मतलब कैसे, शुड द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एक्सवाइजेड डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोइंग कंसर्न असेसमेंट इन एंटिटी एक्सवाइजेड एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कैसे, एफ इन मैनेजमेंट, हाउ, आप सपोज करिए मैनेजमेंट हो, हाउ शुड द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एक्सवाइजेड, कैसे मैनेजमेंट जो एक्सवाइजेड की वो डिस्क्लोज करेगी इन्फॉर्मेशन अबाउट उनका गोइंग कंसर्न का असेसमेंट जो हुआ मार्च 2007 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सिंपल से बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोइंग कंसर्न के असेसमेंट को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, बस और कोई कहानी नहीं. ये ऊपर आपने रामायण सुन लिया, इतना लंबा जोड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन बस यही कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट आपने जो किया उसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे.
ठीक है, अब चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप। सॉल्यूशन, गोइंग कंसर्न इज अ जनरल फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक जनरल फीचर है गोइंग कंसर्न। एज पर इंडिया वन, व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट शैल मेक असेसमेंट ऑफ एन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं एंटिटी एज पर इंडिया वन, तो इन्होंने कर भी लिया है। एन एंटिटी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट अदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज इट। और उसके बाद एक एंटिटी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अनलेस मैनेजर को लगेगा कि वो लिक्विडेट करने वाला है या फिर अपना बिजनेस बंद करने वाला है या फिर उसके पास रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है टू डू सो, मतलब उसको लगा कि उसका धंधा बंद होने वाला है तो वो क्या कर सकता है, गोइंग कंसर्न पे नहीं बनाएगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उसको लग रहा है कि उसका बिजनेस सही चल रहा है गोइंग कंसर्न पे है तो वो कैसे लगेगा उसको जब वो लिक्विडेट नहीं करेगा या फिर अपना बिजनेस बंद नहीं करेगा और उसके पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव उस समय रहेगा। तो कहने का मतलब यहां तक अभी ये है कि आप गोइंग कंसर्न पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं अनटिल और अनलेस आपको ये सारी क्राइसिस ना हो। व्हेन मैनेजमेंट इज अवेयर इन मेकिंग द असेसमेंट ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट अपॉन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, द एंटिटी शैल डिस्क्लोज दोज अनसर्टेनिटीज। कहने का मतलब है कि जब भी एक मैनेजमेंट असेसमेंट करती है कि कोई अनसर्टेनिटी है जिससे कि वो उसका गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ सकता है या फिर उसको डाउट है तो उसे वो अनसर्टेनिटीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये इंडियंस बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहा है कि उसको लग रहा है कोई खतरा है उसके बिजनेस को कि गोइंग कंसर्न रह पाएगा या नहीं रह पाएगा तो वो सारी अनसर्टेनिटीज को उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स, एक एंटिटी को जरूरत पड़ेगी डिस्क्लोज करने के लिए सारे के सारे फैक्ट्स अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर वो मान लेता है, अगर एंटिटी का असेसमेंट ये बोलता है कि वो गोइंग कंसर्न अब नहीं रहेगा तो उसको सारे के सारे डिटेल डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द रीजन, रीजन के साथ एज टू व्हाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न, और फैक्ट के साथ रीजन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? अपना इंडियंस बोल रहा है, ठीक है। While assessing the going concern assumption, an entity is required to take into consideration all the factors covering at least but not limited to 12 months from the end of the reporting period. बोला कि जब हम assess करते हैं going concern assumption, entity required to take into consideration all the factors covering at least, जो भी factors हो कि अगले 12 महीने तक वो काम करे। जैसे कि आप कोई liability सोच रहे हो कि हम repay नहीं कर पाएंगे तो वो 2 महीने के लिए नहीं देखना है कि 2 महीने तक repay नहीं कर पाएंगे, आपको ये देखना है कि आप आने वाले 12 महीने तक सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसका पेमेंट कर पाओगे तो आपको गोइंग कंसर्न माना जाएगा। तो आपका जो असेसमेंट होगा फॉर द अपकमिंग 12 मंथ होगा, ओके, रिपोर्टिंग पीरियड से, किस डेट से? फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ द इंड एज एंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज अप्रोप्रिएट। अब ये रही आपकी इंड एज की रिक्वायरमेंट, अब जो डिस्क्लोजर हमें करके दिखाना वो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे नोट वन में ही, दैट इज कॉल्ड बेसिस फॉर प्रिपरेशन। ये नोट आप चलिए देखते हैं एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो इंडियस अपना क्या बोल रहा है, इंडियस बोला कि जब भी आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप की जो अनसर्टेनिटीज है, जो सपोज करो आप गोइंग कंसर्न को एसेस करो कि आपका गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ठीक है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो अनसर्टेनिटीज है जिसकी वजह से आपने असेसमेंट की है, ठीक है। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि हमेशा गोइंग कंसर्न पे ही बनेगा अनटिल अनलेस वो लिक्विडेट ना हो, बंद ना करे अपना बिजनेस और कोई अल्टरनेटिव उसके पास ना हो उस रफ सिचुएशन में, और 12 महीने के लिए हमें असेसमेंट करनी है, 1-2 महीने के लिए नहीं करनी है, तो हम क्या नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करेंगे। इंडेक्स का बेस आपको पता चल गया कि क्या बोलता है गोइंग कंसर्न पे अपना इंडेक्स वन। अब बात करते हैं नोट्स में हम क्या डिस्क्लोज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट एट 31st March 2007 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस।
जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है, अब जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो आप ईयर एंड के लिए बनाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ 2000 मार्च ऑफ द क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2007, इस केस में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस। हाउएवर मैनेजमेंट असेसमेंट अज्यूम्स दैट द गवर्नमेंट विल री इंट्रोड्यूस लिमिटेड टैरिफ्स और करेंसी एक्सचेंज रेट्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। हाँ, दो अजम्पशन यहाँ पे लिया गया कि ये अज्यूम किया गया है कि गवर्नमेंट रीइंट्रोड्यूस करेगी लिमिटेड प्लास्टिक पे जो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी रीइंट्रोड्यूस करेगी और करेंसी अपना स्टेबल रहेगा मोटा मोटी। ऑन मार्च 2007 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट लिमिटेड इंपोर्ट विल बी इम्पोज्ड, मतलब ये हम लोग बताएंगे गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया है मार्च 2015 को कि भैया आपको ये रीइंट्रोड्यूस करेगा। हाउएवर द गवर्नमेंट इम्फेसाइज द टैरिफ वुड नॉट बी एज प्रोटेक्टिव एज द 40%, जो कि हाउएवर आपको ये भी बताना होगा कि सारा रिटेल की 40% जो पहले लगा था उतना आप प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, फिर भी हम हमारे लिए कितना जरूरी है और हम क्या कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द करेंसी यूनिट डज नॉट स्ट्रेंथन, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं रहेगी, वीक ही रहेगी ज़्यादातर, तो मतलब वो एक बात है। Provided management projects forecast that the 10% tariffs on the all plastic products will result in either XYZ returning to profitability. Management का estimate है, management बोली कि भाई देखो हम going concern बने रहेंगे क्योंकि हम ये assume कर रहे हैं, हमारा forecast है कि 10% introduce भी हो जाए, 40 नहीं 10% भी introduce होगा तो हम profitable रहेंगे। At 31st March 2007 entity XYZ had net asset of currency unit 1000, उसका करेंसी यूनिट इतना है। इफ इंपोर्ट ड्यूटी आर नॉट इम्पोज्ड एंड करेंसी एक्सचेंज रिटेंस रिमेन रेट्स रिमेन अनचेंज्ड एंड एंटिटी एक्स वाई जेड लायबिलिटी कुड एक्सीड इट्स एसेट बाय द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर 2008। और आपको ये भी खतरा बताना होगा क्या इनसर्टेनिटीज है, यहाँ पे बताया गया कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं होता है या फिर री इंट्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होगा कि 1000 जो करेंसी यूनिट आपके पास एसेट है, नेट एसेट 1000 करेंसी यूनिट का, वो लाइबिलिटी उसको एक्सीड कर पाएगी, मतलब आप पे करने की कैपेबिलिटी नहीं रखेंगे, फिर आपके गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडराता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ दीज फैक्टर्स मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एंटिटी एक्स वाई जेड इज अ गोइंग कंसर्न। तो बेसिकली रीइंट्रोड्यूस करना और करेंसी का कॉन्स्टेंट रहना, ये दो बात आपको डिस्क्लोज करनी, साथ साथ ये भी बताना है कि हमें खतरा क्या है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और कहानी क्या है 40 से 10% एज प्रोटेक्टिव नहीं है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। जो कहानी यहाँ पे इन्होंने सुनाई है उसको आपको अच्छे से डिस्क्लोज करना है, आपको बेसिस फॉर प्रिपरेशन में ये अज्यूम करना है, बताना है कि आप गोइंग कंसर्न हो, अगर आपने असेसमेंट किया है तो आपको ये बताना होगा कि भाई कैसे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3 इज ऑफसेटिंग ऑफ रिवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस। ओहो, केवल ऑफसेट कर देते हैं रिवेन्यू को एक्सपेंस से, परमिसेबल इन केस ऑफ द कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट एंड हैविंग सब एजेंट, क्या ये परमिसेबल है एक ऐसी कंपनी के लिए जो एक एजेंट की तरह काम कर रही है या फिर सब एजेंट की तरह काम कर रही है। वेयर कमीशन इज पेड टू सब एजेंट फ्रॉम द कमीशन रिसीव्ड एज एन एजेंट, वहां पे जहां पे कमीशन पेड होता है सब एजेंट को फ्रॉम द कमीशन रिसीव्ड एज एन एजेंट, एजेंट जो कमीशन रिसीव करता है वो सब एजेंट को पे करता है। क्या मोटा क्वेश्चन है कि रेवेन्यू को एक्सपेंस से इनकम और एक्सपेंस को सेटअप कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव नेट प्रेजेंटेशन, मैंने पेन का हाइलाइटर नहीं बदला, ओके और अच्छा हो गया। आपने देखा ये दोनों मिलते हैं तो ग्रीन हो जाता है, इधर भी करके दिखाते हैं आपको, हाँ ग्रीन हो गया ना। On the basis of the above, the net presentation in the given case would not be appropriate. Where income expense को set up appropriate नहीं हुआ, as it would not reflect substance of the transaction and it would distract from the ability to user to understand the transaction. कहने का जो spirit है, spirit financial statement का क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया जाए। अगर आप रिवेन्यू को एक्सपेंसेस सेट अप कर सके, इवन दो यू आर एजेंट एंड सब एजेंट, योर कंपनी इज वर्किंग एज एन एजेंट और सब एजेंट एंड हैविंग अ कमीशन, दैट डजंट मेक अ सेंस। आपको ये समझना है कि जो स्पिरिट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। द कमीशन रिसीव बाय द कंपनी एज एन एजेंट इज द ग्रॉस रिवेन्यू ऑफ द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड बाय इट
टू दिस ऑफिसेंट वुड बी कंसिडर एज एन एक्सपेंस. आप जो इनकम लेते हो एज अ कमीशन तो आपका वो ग्रॉस इनकम माना जाएगा, और जो आप एक्सपेंस करोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस टू सब एजेंट, वो आपको ऑफसेट नहीं करेगी. सो नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट कमीशन अर्न बाय इट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना चाहिए. देखिए आपकी कंपनी है, आप एजेंट हो, ठीक है, आपको कमीशन की इनकम है और आप पेमेंट एक करते हो सब एजेंट को, ठीक है. आप बोल रहे हो कि हम कमीशन लिए और एक्सपेंसेस को ऑफसेट कर देते हैं, तो बोला नहीं भाई साहब, आप कमीशन को अलग दिखाओ, एक्सपेंस को अलग दिखाओ. ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना. सो इलस्ट्रेशन 3 इज ओवर, नाउ वी आर मूविंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर, खोजते रहो इलस्ट्रेशन नंबर 4. आजा भाई आजा, यो प्यारा सा है, छोटा सा दिख रहा है तो रिलीफ आ रहा है आपको. इलस्ट्रेशन 4, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एक्स वाई एक्स लिमिटेड आर नॉर्मली रियलाइज इन 12 मंथ में नॉर्मली रियलाइज होता है. हाउ शुड एक्स लिमिटेड क्लासीफाई सच इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल करेंट और इनकरेंट. अब ये सारे क्वेश्चन किसके बेसिस है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि करंट क्या है, नॉन करंट क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस किस बेसिस पे आपको मिलेंगे, करंट और नॉन करंट के बेसिस में क्लासिफाई करने के लिए कि करंट है या नॉन करंट है. तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड नॉर्मली रियलाइज हो जाते हैं 15 महीने में. हाउ शुड एक्स लिमिटेड क्लासीफाई सच इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स. आप बताओ कि आप कैसे एक्स लिमिटेड को क्लासिफाई करेगी, ये करंट है या नॉन करंट है. इफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 15 मंथ, और अगर ये रियल एक्सपेक्टेड है 12-15 महीने में रियलाइज हो जाने के लिए. तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दीज शुड बी क्लासिफाइड एज करंट. अभी कैसे करंट क्लासिफाई होगा, देखिए यहां पे एक टर्म है नॉर्मली रियलाइज इन इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड आर नॉर्मली रियलाइज इन 15 मंथ, मतलब उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 15 महीने का है. और जो यहाँ पे हाउ शुड यू क्लासीफाई सच इन्वेंट्री एंड ट्रेड करेंट और नॉन करेंट इफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 1, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, एक मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, जब कोई भी चीज़ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट. तो यही है कि अगर कोई भी एसेट, कोई भी पेमेंट आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाती है या फिर आप उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ले लेते हो तो उसको करंट बोला जाता है. तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का केस है, तो यहाँ पे हमने उसको ले लिया. फिर आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5. ओके, बी लिमिटेड प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट. ओहो अच्छी बात है, कौन सी कंपनी, वे HAL है क्या, रफाल बनाती है. अभी तो इंडियन भी आ गया ना तेजस, बहुत अच्छी बात है यार, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद का बनाएंगे. द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट, मैं क्या बोला आपको समझ में, तेजस क्या इंडिया मेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इंडिया ने खुद से बनाया हुआ है एयरक्राफ्ट, तो दैट इज वॉट द मेक इन इंडिया. अब मेक इन इंडिया का क्या है? वो बोलो तो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया हुआ है, मतलब खुद का देश में बना हुआ है बहुत चीज़ें, तो दैट इज़ गुड न्यूज फॉर द इंडियन डिफेंस. तो जैसे बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एयरक्राफ्ट, द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन फर्स्ट परचेजिंग रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड द डेट ऑफ द कंपनी कंप्लीट्स द प्रोडक्शन डिलीवरी इन 9 मंथ्स. कहने का मतलब ये, यही भी करंट और नॉन करंट का ही होगा. देखिए द बी लिमिटेड प्रोड्यूसेज, बी लिमिटेड प्रोड्यूस करती है एयरक्राफ्ट, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड द डेट द कंपनी कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी इज 9 मंथ, 9 महीने में वो होता है प्रोसेस. द कंपनी रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट 7 मंथ्स फ्रॉम आफ्टर द डिलीवरी. अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पहली बार डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन तक कि पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. तब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बताइए, वॉट इज द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल. तो लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज 16, जैसे बोला डेट ऑफ एक्विजिशन से
9 महीना बनाने में लगा और 7 महीना डालने में, टोटल कितना हो गया 16। दूसरा, हाउ शुड वी ट्रीट इन इन्वेंट्री एंड डेटर्स, कैसे हम ट्रीट करेंगे इसको, तो क्लासिफाइड एज करंट बिकॉज इन नॉन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये हमें मिल जा रहा है कोई भी चीज। देखो यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग द इन्वेंट्री एंड डेटर विल बी रियलाइज्ड, रियलाइज हो जाएगा आपको विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो आपको क्या बोलेंगे उसको, करंट, इवन दो इट इज मोर देन 12 मंथ्स और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में मिल जा रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मैंने बताया डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ रियलाइजेशन तक के पीरियड को नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ शुरू हुआ 9 महीना हुआ, फिर 7 महीना से हमने रियलाइज कर लिया तो टोटल 16 मंथ हो गया, और तो 16 मंथ में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। अगला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, 3 महीना रॉ मटेरियल स्टॉक पीरियड रहता है, स्टॉक में रहता है, और 1 महीना WIP। फिर बोलता है फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स बन के तैयार होके आपके यहाँ रहता है तो 3, 1 और 5। डेटर कलेक्शन पीरियड 5 मंथ, आपको पूछा गया कि क्या है ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये रहा आपका पूरा जोड़ देंगे 315, इसमें कोई बात ही नहीं है, हमने बता दिया कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है आपको पहले ही, एक बार फिर से बता देते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ रियलाइजेशन तक, मतलब माल से खरीद के प्रोडक्शन करके बना के रख के बेच के उसका पैसा रियलाइज करने तक, तो ये रहा आपका पूरा 14 मंथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द अबव इलस्ट्रेशन व्हाट वुड हैपन इफ द ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी आर पेड इन 12.5 मंथ्स, शुड दिस बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट, सिंस द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 14 मंथ, ट्रेड पेबल एक्सपेक्टेड टू सेटल इन 12 मंथ, द सेम शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। अगर उस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही उसको पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी क्लासिफाई होगा, हमने करंट एसेट की बात की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है करंट लायबिलिटी के ऊपर, एक मिनट वाइट कहाँ गया, करंट लायबिलिटी के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, बोला ऊपर की सिचुएशन में इन द अबव इलस्ट्रेशन व्हाट वुड हैपन इफ द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी, ट्रेड पेबल नॉट द ट्रेड रिसीवेबल, आर पेड 12.5 मंथ्स में पेड हो जाते हैं, मतलब जब आप देखें कि जो ट्रेड पेबल है वो 12-12.5 महीना में पेमेंट हो जाता है, तो क्या आप इसको नॉन करंट क्लासिफाई करोगे या करंट क्लासिफाई करोगे, तो आप देखोगे क्या ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हो जा रहा है इसका नहीं, सेटलमेंट इन विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर हो जाता है तो उसको करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करते हैं, जो कि यहाँ पे हुआ है, मतलब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में क्लासिफाई हो सकता है, तो ये मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो सकता है, दैट इज वाई वी आर सेइंग इट इज करंट लायबिलिटी। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एंटिटी ए हैज टू डिफरेंट बिजनेसेस, एंटिटी ए के पास दो डिफरेंट बिजनेसेस है, रियल एस्टेट मैन्युफैक्चर ऑफ द पैसेंजर व्हीकल, ठीक है कोई बात नहीं धंधा है करो। With respect to the real estate business, entity construct residential apartment for the customers and the normal operating cycle is 3 to 4 years. बोला कि वो business उनका है real estate का, घर बनाते हैं, 3 से 4 साल तक normal operating cycle है उनका। With respect to the business of the manufacturer of the passenger vehicle के लिए normal operating cycle 15 month। आपको याद होगा मैंने बोला कि आप दो से अधिक ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं, जैसे इनके पास 2-3 बिजनेस है तो इनका एक ऑपरेटिंग साइकिल अलग है 3 से 4 साल और इसका एक अलग है 15 महीने। अंडर सच सर्कमस्टांसेस वेयर एन एंटिटी हैज डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, हाउ क्लासिफिकेशन इनटू करंट एंड नॉन करंट, क्वेश्चन वही पूछ दिया, क्वेश्चन समझ में आया कि इनके पास दो बिजनेस है, दोनों का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल, एक रियल एस्टेट का 3 से 4 साल प्रैक्टिकल भी है और एक व्हीकल पैसेंजर बनाते हो 15 महीने तक का है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ क्लासिफिकेशन इनटू करंट एंड नॉन करंट बी मेड अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल है, तो सोल्यूशन एज पर पैराग्राफ 16A ऑफ इंडियस, तो आप लिखो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, पैराग्राफ तो याद रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इंडियस तो लिखना ही, ओके, एंड एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट, आप यहाँ पे इंडियस के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिखेंगे,
Ind AS 1 as per Indian Accounting Standard 1, presentation of financial statement and assets should be classified as current if an entity expects to realize the same or intend to sell or consume it within the normal operating cycle. जो हमने पहले लिखा है तो वही लाइन यहाँ पे चिपका दी गई है कि अगर हम क्लासिफाई करेंगे उसको करंट, अगर कोई भी चीज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंड टू सेल और कंज्यूम होगी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो उसको हम लोग करंट क्लासिफाई करेंगे. सिमिलरली एज पर पैराग्राफ 69 ऑफ इंडिया सोना लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट इफ एंटिटी और लाइबिलिटी केस में भी अगर कोई एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कोई लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी तो उसको करंट लाइबिलिटी बोला जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर अभी किया. ठीक है. In the situation where businesses have different operating cycle, classification of the assets or as current, यही तो question है कि कैसे होगा. तो बोल रहा है in this situation where businesses have different operating cycle, classification of the assets liability as current, non-current would be in relation to the normal operating cycle that is related to the particular asset and liability. यहाँ पे line लिखा होगा, एक word लिखा हुआ है particular asset and liability. That is relevant to the that particular asset or liability. Operating cycle can have two or three or more operating cycle, but आपको ये देखना है कैसे relevant रहेगा. It is relevant to that particular asset. वो एक particular asset or liability को देखा जाएगा. ठीक है, कि वो किस business की और उसका operating cycle क्या है, तो उसके हिसाब से उसको current और uncurrent में डाला जाएगा. It is advisable to disclose the normal operating cycle relevant to the different types of the business for the better understanding. हाँ, आपको एक advice ये भी दी जाती है कि आप उसको disclose कर दीजिए. तो कहने का मतलब है ये line पूरा answer है. This is relevant to that particular asset or liability. एक particular asset or liability के ऊपर depend करता है कि अगर मेरे को उसको current और non-current दिखाना है तो हमें ये जरूर देखना होगा कि कि वो पर्टिकुलर एसेट किस ऑपरेटिंग साइकिल में आ रहा है, या फिर वो अब उसमें एसेट है लायबिलिटी है तो वो देखना होगा. लायबिलिटी अगर विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल सेटल हो जाती है तो उसको करंट दिखाएंगे, नॉन करंट दिखाएंगे, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की उसकी हर की अलग अलग कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. और एक एडवाइजेबल है कि अगर ज्यादा है आपके पास तो आप डिस्क्लोज कर दें सारा. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9. एन एंटिटी हैज प्लेस्ड सर्टेन डिपॉजिट्स विद various parties. Okay. एक एंटिटी है जिसने बहुत सारे सर्टेन डिपॉजिट कुछ, आप ये बताओ उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया तो डिपॉजिट कर दिया, टेंडर लिया तो उसमें उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, जीएसटी डिपॉजिट कर दिया, पेड अंडर डिस्प्यूट ऑफ द जीएसटी पेमेंट अंडर डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है उन्होंने पेमेंट कर दिया जीएसटी और उनको रिटर्न चाहिए, तो कहने का मतलब ये कि ये इन्होंने डिपॉजिट रखा हुआ है. तो आपको बताना है कि करंट है नॉन करंट है. तो पहली बात देखो, इलेक्ट्रिसिटी जब आप डिपॉजिट करते हो तो क्या आपको देखना है कि कितना 12 महीने में वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का तो यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा. यहाँ पे तो यही देखा जाएगा ना कि आप कितना दिन में उसको वापस ले लोगे, तो ये 12 महीने से ज्यादा होगा तो इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट. तो इसको पढ़ते हैं एक-एक करके और अपना हाइलाइटर चेंज करते हैं. एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम द डिपॉजिट इज रिकवरेबल ऑन डिमांड. ठीक है, यहां पे सारा समय जब चाहेंगे आप डिमांड पे रिकवर कर सकते हैं. व्हेन द कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं हुआ. हाउएवर प्रैक्टिकली सच इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज द एंटिटी एग्जिस्ट, जितना दिन तक रहता है उतना देर तक वो रहता है बिल, मतलब डिपॉजिट रहता है. हेंस फ्रॉम द कॉमर्शियल रियालिटी perspective, an entity does not expect to realize the asset within 12 months. ये आप एक entity अगर आप assume करोगे तो ये assume नहीं करोगे कि आप 12 महीने के अंदर आपका जो पैसा रखा हुआ उसको वापस ले लोगे, isn't it? तो वो deposit 12 महीने के बाद ही आप realize करने वाले हो, ऐसा आप assume करोगे as practically बोला जाए तो. From the end of the reporting period, हाँ कहाँ से? Reporting period से 12 महीने हम count करेंगे. Hence इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट एसेट, तो उसको नॉन करेंट एसेट दिखाया जाएगा. फिर अगली बारी आती है आपके टेंडर की डिपॉजिट की. जनरली टेंडर डिपॉजिट और ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स आर पेड फॉर पार्टिसिपेंट
सॉरी पार्टिसिपेशन इन वेरियस बिड्स. हाँ, आप जब भी बोली लगाते हो कोई चीज़ में तो वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट रहता है कि आपकी औकात भी है कि बिड लगाने आ गया बस, ठीक है, तो डिपॉजिट लगाई जाए, मतलब डिपॉजिट रखा जाता है. दे नॉर्मली बिकम रिकवरेबल इफ द एंटिटी डज नॉट विन द बिड. अगर आप बिड नहीं जीतते हो तो आप आराम से रिकवर कर देते हो. वैसा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, वह 1,00,000 रुपये आप डिपॉजिट कर दो तभी बिड लगाओगे, अगर आप बिड नहीं जीते तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा. बिड डेट्स आर नोन एट द टाइम ऑफ टेंडरिंग द डिपॉजिट्स. बिड डेट्स पता रहता है कि भैया मैंने आज डिपॉजिट किया तो बिड आने वाले 2 महीना 3 महीने या फिर एक्चुअल डेट आपको पता रहता है. बट अंटिल द डेट ऑफ एक्चुअल बिड वन इज नॉट इन अ पोजिशन टू नो इफ द एंटिटी इज विनिंग द बिड और अदरवाइज. लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि अगर आपने आज डिपॉजिट कर दिया है बिड जब होगी तो आप वो जीतोगे या हारोगे, मतलब पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. Accordingly, depending on the terms of the deposit, if entity expects to realize deposits within the 12 months, it should be classified as current, otherwise non-current. Accordingly, depending on the terms of the deposit, if an entity expects to realize the deposit within the, तो भाई साहब आप ये अपना कॉमन सेंस लगाओ कि आपको लगता है कि एंटिटी जीतेगी या हारेगी तो मैनेजमेंट का कॉल है. अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो जीत जाएगी तो उसको नॉन करंट क्लासिफाई करेगी, अदरवाइज उसको करंट, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव मैटर है. फिर बात आती है आपका प्यारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपॉजिट. यहाँ पे देखते हैं क्या है केस. अभी सारा करंट और नॉन करंट का चल रहा था, भारी भरकम सवाल करंट और नॉन करंट पे आपको देखने को मिले अभी तक. भारी भरकम क्या, ठीक ठाक. क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी डिपॉजिट्स पेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन द इवेंट ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट. गवर्नमेंट का याद, मतलब गवर्नमेंट का जब भी बात आता है तो आपको क्या लगता है 12 महीने के अंदर कोई भी केस सेटल हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूट. देखते हैं. विच इज अंडर प्रोटेस्ट वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटिटीज रियलाइज द सेम विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ. अब देखो डिपेंड करता है केस टू केस कि आप 12 महीने में उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम केस जीत जाएंगे या फिर केस आपका स्ट्रांग है कैसा है. सो इन द केस ऑफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दिस टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स इट शुड बी क्लासिफाइड एज द करंट और एल्स. और मतलब मेरे को, अगर मैं मैनेजमेंट रहूँ तो मैं तो बोलूँगा ही नहीं कि 12 महीने में होने वाला है, कुछ टाइम लगे भाई, गवर्नमेंट का काम है. लेकिन आपको लग रहा है कि आपका केस स्ट्रांग है और बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होने वाली है और मेरा पैसा जल्दी से डिस्प्यूटेड मनी मेरे को रिफंड मिल जाएगा, तो आप उसको क्या करो, करंट क्लासीफाई कर दो. अगर आपको लगता है नहीं 12 महीने से ज़्यादा लगेगा तो उसको नॉन करंट क्लासीफाई कर दो. इट डिपेंड्स, तो बहुत डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट कॉल. आप फिर आप एज एन ऑडिटर आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई हमको तो नहीं लगता कि 12 महीने, तो आप वहाँ पे चेंज करा सकते हो या फिर आप अपना रिपोर्ट में चेंजेस कर सकते हो एज इट इज, आपको अगर जैसा लगा. आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे. पैराग्राफ 69 ऑफ द इंडियस स्टेट्स एन एंटिटी सेल क्लासीफाई अ लायबिलिटी एज करंट व्हेन इट एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. बात सही है. अगर एक एंटिटी कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करेगी एक करेंट लाइबिलिटी जब वो एक्सपेक्ट करती है कि जो उसकी लाइबिलिटी है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगी, ये वन ऑफ द कंडीशन है. एन एंटिटी डेवलप्स टूल्स फॉर कस्टमर्स एंड हिज नॉर्मल टेक्स अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फॉर द कंप्लीशन. एक एंटिटी है जो डेवलप करती है टूल्स फॉर द कस्टमर कस्टमर्स के लिए एंड दिस नॉर्मली टेक्स 2 साल वो नॉर्मली बनने में लगता है. द मटेरियल इज सप्लाइड बाय द कस्टमर, कस्टमर द्वारा मटेरियल सप्लाई किया जाता है. हेंस एंटिटी ओनली रेंडर्स अ सर्विस. और जो मटेरियल सप्लाई करेगा कस्टमर और जो एंटिटी है वो सर्विस रेंडर करके उसको प्रोड्यूस करती है. फॉर दिस द एंटिटी रिसीव्स पेमेंट्स ऑफ फ्रंट्स एंड क्रेडिट्स द अमाउंट्स रिसीव टू द इनकम रिसीव इन एडवांस. इसके लिए वो करती क्या है, फॉर दिस एंटिटी रिसीव्स अ पेमेंट. उसके लिए जो एंटिटी पैसा रिसीव करती है उसको क्रेडिट कर देती है एज इनकम रिसीव इन एडवांस. हाउ शुड दिस इनकम रिसीव इन एडवांस बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट. आपको ये बताना है कि आप इसको कैसे दिखाओगे, करंट या नॉन करंट, ठीक है. आपको क्वेश्चन समझ में आया, देखिए मैं बताता हूं क्वेश्चन. आप हो, सपोज करो आप एक एंटिटी हो, मतलब आप मैनेजर हो एंटिटी के, सीईओ. आपने क्या किया,
आप एक चीज का असेंबलिंग करते हो, उसे बनाते हो, ठीक है, अपने कस्टमर के लिए, जिसका कस्टमर खुद रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, कस्टमर खुद रॉ मटेरियल देता है, द मटेरियल इज सप्लाइड बाय द कस्टमर्स एंड हेंस द एंटिटी रेंडर्स अ सर्विस, और बस आप एक सर्विस रेंडर करते हो कंप्लीशन के लिए, पीरियड ऑफ अराउंड 2 ईयर्स फॉर द कंप्लीशन। उसके लिए एंटिटी रिसीव्स पेमेंट अप फ्रंट, और उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट भी रिसीव हो जाता है, जिसको आप इनकम रिसीव एज इन एडवांस दिखाते हो, इनकम रिसीव एज एडवांस दिखाते हो। बस आपका ये क्वेश्चन, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे स्टेट करोगे, नॉन करंट या करंट, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अपने कस्टमर के लिए ही माल बनाते हो, वो मटेरियल देता है, आप उसको सर्विस प्रोवाइड करके 2-3 साल में कंप्लीट करके देते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या मिलता है, एडवांस पेमेंट। तो आपको वो बताना है कि क्या वो करंट होगी या नॉन करंट आपके बुक में। इंडियस वन प्रोवाइड सम करंट लायबिलिटीज सच एज स्टेट पेबल्स एंड सम अक्रूअल फॉर द एम्प्लॉय एंड अदर ऑपरेटिंग साइकिल आर पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल यूज इन एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल एंड एंटिटी क्लासिफाइज सच ऑपरेटिंग आइटम्स एज करंट लायबिलिटी इवन इफ दे आर ड्यू टू बी सेटल मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन डेज प्रोवाइड सम करेंट लाइबिलिटीज सच ए स्टेट पेबल्स, ये धंधे का बात है, धंधे से रिलेटेड है, तो इसको क्या इन डेज क्या बोलता है, सम करेंट लाइबिलिटीज, सम करेंट लाइबिलिटीज सच एज ट्रेड पेबल्स एंड सम अक्रूअल फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयज, जो कुछ एक ट्रेड पेबल हो गया और इम्प्लॉयज रिलेटेड और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल यूज इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ट्रेड पेबल हो गया, एम्प्लॉय का जो पेमेंट हो गया, उसके केस में क्या बोलता है, एन एंटिटी क्लासिफाइज सच ऑपरेटिंग आइटम एज करेंट लाइबिलिटी इवन दो दे आर ड्यू टू बी सेटल्ड मोर देन, इस केस में इंडेस बोलता है कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका ये नॉर्मल धंधे का पैसा है, क्या है, नॉर्मल बिजनेस का पैसा है, ये नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें हम कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल विल ऑलवेज बी करेंट लाइबिलिटीज इवन इफ दे आर ड्यू टू बी सेटल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इस केस में बोला भाई हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आप देखो आपके बिजनेस के ऑपरेशन का रिलेटेड है, तो ये आप जब भी आप ट्रेड पेबल की बात करो या फिर एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई पेमेंट की बात करो, वर्किंग ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कोई बात करो, तो उस केस में वो हमेशा करंट लाइबिलिटी क्लासीफाई करेगा। इन अकॉर्डेंस विद द अबव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी क्लासीफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू अर्न विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस केस में जैसे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अर्निंग कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो जो भी धंधे का चीज है उसमें हम क्लासीफाई नहीं करेंगे करंट और नॉन करंट। ट्रेड पेबल जैसे हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय का कुछ अक्रूवल है, तो उस केस में हमेशा करंट रहेगा, करंट लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप ये बिजनेस पीरियड की बात हो रही है, मतलब विद इन द बिजनेस पीरियड की बात हो रही है, मतलब एक साल के अंदर की बात हो रही है, तो इसको हमेशा करंट लाइबिलिटी आप रिज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1-1, दैट इज व्हाट 11। An entity has taken a loan facility from a bank that is to be repaid within a period of 9 months. एक एंटिटी ने लोन लिया है बैंक से और उसको रीपे करेगी 9 महीने में, रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के 9 महीने बाद। Prior to the end of the reporting period, entity and the bank enter into an arrangement. एक अरेंजमेंट वो लोग करते हैं वेयर बाय द एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग लोन विल अनकंडीशनली रोल इनटू द न्यू फैसिलिटी व्हिच एक्सपायर्स आफ्टर द 5 ईयर। देखो भैया ड्यू डेट आने वाला था, उसके पहले उन्होंने क्या किया कि एक नई फैसिलिटी, नया लोन इश्यू करवाया, उसको उसमें ट्रांसफर करा दिया, बोले 5 साल में ये एक्सपायर होगा। हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी, कैसे क्लासिफाई होगा भैया, वो तो 9 महीना छोड़ो, वो तो क्या हो गया 12 मंथ से ज्यादा हो गया, तो ऑफकोर्स ये नॉन करेंट क्लासिफाई होगा। दूसरा, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द न्यू लाइबिलिटी इज अग्रीड अपॉन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट तक ही हम चेक करेंगे ना, रिपोर्टिंग डेट तक के ही ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे कि अप टू रिपोर्टिंग डेट हम ये देखेंगे कि आने वाले 12 महीने में क्या सेटल हो जाएगा या फिर विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा या फिर सेटिस्फाई है कि विद 9 महीना, हमको तो रिपोर्टिंग डेट पे ये देखना है कि रिपोर्टिंग डेट पे आपका जो स्टेटस है वो 9 महीने का है,
तो हम 9 महीना रहेगा तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे एज अ करंट। फिर अगला क्वेश्चन, विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटी इज फ्रॉम द अनदर बैंक। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोला कि आपका आंसर क्या अलग होगा जब एक एग्जिस्टिंग ये जो लोन है, विल द आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज फ्रॉम वन बैंक और जो नई फैसिलिटी है दूसरे बैंक से। आइए देखते हैं, यस लोन फैसिलिटी अरेंजेज विद द न्यू बैंक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रीफाइनेंसिंग। आप दूसरे बैंक से जब लोन लेते हो 5 साल के लिए और पुराना 9 महीने में आपको पे करना है तो आप उसको रीफाइनेंसिंग टर्म यूज नहीं कर सकते, मतलब आपने रीफाइनेंस नहीं करा, पीरियड को बढ़ाया घटा नहीं। एज द लोन विद द अर्लियर बैंक वुड हैव टू बी शटल्ड विद इन द मे कंसाइड विच मे कोइंसाइड विद द लोन फैसिलिटी अरेंजेज विद द न्यू बैंक। इन दिस केस लोन हैज टू बी रिपेड विद इन द नॉम। देखो सिंपल सा बात है, पहला हमारा क्या था, पहले हमें ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड, हमें 9 महीने तक पेमेंट करना था, यहाँ से 9 महीने में मेरा ड्यू था। अगर मैं क्या किया, इसको एक्सटेंड करा लिया 5 ईयर तक, इसके पहले ही हमने गए अरेंजमेंट करा लिया कि भाई रिपोर्टिंग डेट से पहले हम गए, रिपोर्टिंग डेट से पहले हम अरेंजमेंट करा लिया कि भाई 5 साल का लोन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन करेंट हो जाएगा। फिर ये पार्ट ए का बात करें, पार्ट बी का बोला कि देखो ये है आपका रिपोर्टिंग डेट, ये 9 महीने का पीरियड है, आप 5 साल का इसको करा लिया, लेकिन आपने करा यहाँ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एंड, यहाँ पे आके आपने उसको 5 साल का कराया, तो जब हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो उसको हमेशा करेंट क्लासिफाई करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ के डेटा से कोई मतलब नहीं। अब सी केस क्या बोला है कि आपके यहाँ रिपोर्टिंग डेट पे एक 9 महीने का लोन ड्यू है, आपने एक और लोन ले लिया जो कि वो 5 साल के लिए, मतलब ये अदर बैंक से लिया है और ये दूसरे बैंक, तो ये तो अलग करंट क्लासिफाई ही होगा, ये नया बैंक है ये नॉन करंट क्लासिफाई होगा, ये अलग है वो अलग है, तो 9 महीने के बारे में आपने जो पूछा वो नॉन करंट, मतलब वो करंट लायबिलिटी ही रहेगा बिकॉज वो 9 महीने में ही वो सेटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब 11 का डी, Will the answer to A be different if the new facility is not yet tied up with the existing bank, but the entity has potential to refinance the obligation? कह रहा है कि reporting rate पे एक ऐसे situation है जिसमें उन्होंने refinance तो नहीं किया है, but entity के पास potential है कि वो refinance कर दे, तो इसका answer देखते हैं। Yes, the answer will be different and the loan should be classified as current. This is because as per the paragraph 73 of the IND AS, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity, for example, there is no arrangement for the refinancing, entity does not consider the potential to refinance the obligation and classified as obligation as current. अगर आपने रिफाइनेंस नहीं किया है, आप बोलोगे कि हमें लगता है कि हम कर लेंगे, वैसे नहीं होता। तो पहले केस में ये 5 साल के लिए नॉन करंट क्लासिफाई हुआ था, तो क्या वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो ये करंट क्लासिफाई हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका ये रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट है, ये 9 मंथ का पीरियड है। आप बोले नहीं अभी तो हमने नहीं किया लेकिन हमको लग रहा है हम कर लेंगे, बोला लग रहा है लगने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, हाउ, देखो एक लोन है 9 महीने में रिपे होने वाला है, रिपोर्टिंग डेट पे ऐसा सिचुएशन है, लेकिन कंपनी उसको चाहे तो 5 साल में उसको कन्वर्ट करा सकती है, नई फैसिलिटी नया लोन लेके उसमें ट्रांसफर करा के नया लोन इशू करा सकती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो पहला केस हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। 9 महीने के लोन को आपने 5 साल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 5 साल में आप उसको पे करना है, तो दैट ऑब्वियसली वो नॉन करेंट क्लासिफाई होगा, डेफर हो गया हो।
आपका विल द आंसर भी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज अग्रीड अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर आप सोचो कि 5 साल में करें तो वो ऐसा नहीं होगा, रिपोर्टिंग पीरियड तक आपको बताना होगा कि क्या सिचुएशन है. आपने बोला कि एग्जिस्टिंग लोन तो महीने का वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो हमने रिफाइनेंस किया और नया 5 साल वाला दूसरे बैंक से लिया, वह दूसरा बैंक दूसरा पेबल है, दूसरा बैंक दूसरा, तो 9 महीने को तो वो ऐसे एज अ करंट है, वो करंट लाइबिलिटी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. दो आप दूसरे बैंक से ले रहे हो तो दूसरा बैंक वाला को नॉन करंट क्लासिफाई करो, उससे कोई मतलब नहीं है. विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज नॉट येट टाइड अप विद द एग्जिस्टिंग बैंक बट द एंटिटी हैज पोटेंशियल रिफाइनेंस द ऑब्लिगेशन, पोटेंशियल टू रिफाइनेंस द ऑब्लिगेशन. कहने का मतलब यह है कि अभी तक टाइड अप नहीं हुआ है रिपोर्टिंग डेट तक, तो हम यही रिपोर्टिंग डेट तक ही देखेंगे, तो उसको करंट लाइबिलिटी ही क्लासीफाई करेंगे और बाकी को आप जब आप कर दोगे तो अगले रिपोर्टिंग पीरियड में देखा जाएगा. तो हो गई कहानी खत्म. फिर बात करते हैं पैराग्राफ मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 12. इन दिसंबर 2001 एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ लोन एग्रीमेंट विद द बैंक. ठीक है, द लोन इज रिपेबल इन द 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2005. One of the loan covenant is that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by the promoters by March 2002. बोला कि the loan repayable था December 2005 से start हो रहा, उसका repayment 3 equal installment में pay होगा. One of the loan covenant, loan की एक one of the शर्त, covenants मतलब शर्त, is that amount equivalent to the loan should be contributed by the promoters. उसमें एक शर्त ये भी था कि promoter 2002 मार्च 2024 तक एक इंस्टॉलमेंट का पैसा देगा. फेलिंग विच द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड, और अगर वो फेल कर जाता है तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड होगा. आपने लोन लिया 2001 में, 2005 से उसका पेमेंट स्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर प्रमोटर 2002 तक एक इंस्टॉलमेंट नहीं कंट्रीब्यूट करता है तो वो पेबल ऑन डिमांड हो जाए. मार्च 2002 की बात है, एंटिटी डज हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. एंटिटी में प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाया है, एक इक्वल इंस्टॉलमेंट की जो बात हुई थी पहले. तो अब क्या होगा, ब्रीच हो गया, लोन कंडीशन का ब्रीच हो गया. तो ब्रीच का एक क्वेश्चन आ गया, करेंट और नॉन करेंट का क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ये ब्रीच का कंडीशन है. ठीक है, आई बिलीव मे बी और भी हो सकता है, बट यहाँ पे लोन कंडीशन ब्रीच हुआ है, ब्रीच कही. ऑन मार्च 2005 द एंटिटी अप्रोच द बैंक एंड ऑप्टेन अ ग्रेस पीरियड अप टू जून 2002. मार्च 2002 की बात है, बैंक ने ग्रेस पीरियड मांगा कि भाई मेरे को जून 2002 तक टाइम दे दो, मतलब एक दो महीना और दे दो, हम संभालते हैं, लाते हैं अपना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रिपेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड. द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द एंड इज 31 मार्च 2002. ये बोल रहे हैं भाई साहब कि मार्च 25 2002 को हम गए बैंक में कि ग्रेस पीरियड दे दो, अभी रिपेबल ऑन डिमांड उसको मत करो, हम आपको जून तक पेमेंट कर देंगे, मतलब वो कंट्रीब्यूशन ले आएंगे, फिर आपका इक्वल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2005 से पेमेंट किया जाएगा. तो अब इस केस में आपको बताना है एज ऑन मार्च 31 2002 को आप इसको कैसे क्लासीफाई करोगे. पहले क्वेश्चन समझते हैं एक बार फिर से इजिली. कुछ डेट्स हैं इसमें, एक डेट है 2001, एक डेट है 2005, एक है 24 मार्च 2002, ठीक है 25 मार्च 2002, और 31 मार्च तो आपके पास है ही है, और ये 30 जून है. तो ये कुछ डेट्स हैं, ये सारे 2002 के हैं. यहाँ पे लोन एग्रीमेंट होता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आने वाले समय में 2005 के बाद, प्रोवाइडेड आप 24 मार्च को वन ऑफ द लोन कोविनेंट इज दैट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द लोन अमाउंट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स. हाँ, लेकिन एक कंडीशन उसमें ये थी कि एक प्रमोटर जो आपका लोन के बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में. ठीक है, ये कंडीशन है जो कि ब्रीच हो गई. तो 25 मार्च को हम लोग बैंक के पास गए,
बैंक ने बोला कि हम ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि आप ये कंडीशन फुलफिल करा लो 30 जून तक, तो आपका जो नॉर्मल शेड्यूल है उसमें वापस आप आ सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है। क्वेश्चन आपसे क्या है, एज ऑन मार्च मतलब क्लोजिंग डेट पे आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे लोन को? तो हमने आपको याद है कि एक कार्व आउट भी बताया था, रीपेबल ऑन डिमांड को करंट और नॉन करंट, माइनर ब्रीच, मेजर ब्रीच, आई होप आपको याद होगा। देखिए उसमें दो टाइप के ब्रीच थे, रीपेबल ऑन डिमांड जब नहीं रहता है तो, एक माइनर ब्रीच था और एक मेजर ब्रीच था। अब इसमें बोला गया था कि अप्रूवल डेट तक अगर आप सेटल कर लो तो ठीक है, मतलब मेजर ब्रीच में, अगर नहीं करोगे तो उसको करंट लायबिलिटी दिखा दिया जाएगा, मतलब अप्रूवल डेट तक टाइम रहता है। और इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमको क्या क्लासिफाई करेंगे उसको लोन को। आइए देखते हैं। इंडेस बोलता है एंड इट क्लासिफाई द लायबिलिटी एज नॉन करंट इफ द लेंडर अग्रीड बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट टू प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ ग्रेस एंडिंग एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। एक एंटिटी क्लासिफाई कर सकती है एक लायबिलिटी को नॉन करंट अगर लेंडर जो देने वाला है वो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से ये प्रोवाइड कर दे कि ग्रेस पीरियड 12 महीना से एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विद इन विच द एंटिटी कैन रेक्टिफाई द ब्रीच एंड ड्यूरिंग विच द लेंडर कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रिपेमेंट। 12 महीने से ज्यादा उसको पीरियड मिल जाए जिसमें वो इमीडिएट रिपेमेंट डिमांड नहीं करे। इन प्रेजेंट केस फॉलोइंग द डिफरेंट ग्रेस पीरियड इज विद इन एन एंटिटी कैन रेक्टिफाई इज लेस देन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। भैया बोला 12 महीना का समय नहीं, हम रिपोर्टिंग डेट पर अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, अप्रैल मई जून तीन महीने का समय है, तीन महीना मतलब तीन महीने में हमको रिपेबल करना हो सकता है। अब वहाँ पे कंडीशन है लेकिन आपको करना हो सकता है, तो हेंस मार्च 2000 को लोन विल बी क्लासिफाइड एज करंट। आपको लोन को क्लासिफाई करना होगा एज अ करंट, मतलब आपने ब्रीच कर दिया कंडीशन एज ऑन रिपोर्टिंग डेट पे, तो आपको भाई साहब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ऑन डेट ऑफ अप्रूवल तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको करंट ही माना जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रिपोर्टिंग डेट पे हमने ये देखा कि क्या ये हमारा 12 महीने से ज़्यादा रिपेबल ऑन डिमांड हो सकता है, मतलब 12 महीने में हमसे कोई पैसा ना मांगे, लेकिन इस कंडीशन में लग रहा है कि 12 महीने में मेरे से कोई पैसा मांग भी सकता है, तो उसको क्या करेंगे, करंट। फिर पार्ट बी, अज्यूम दैट इन एंटीसिपेशन दैट इट मे नॉट बी एबल टू गेट द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बाय द डेट इन फेब्रुअरी 2002। हमें पता था पहले ही कि वो पैसा नहीं देगा प्रमोटर, तो 2002 फरवरी मतलब एक महीना पहले एंटिटी अप्रोच की बैंक को, मतलब कि जो शर्त की डेट थी, द डेट ऑफ द डेट वाज 24th मार्च 2002, उसके पहले ही एंटिटी स्मार्ट मूव किया कि फरवरी में गया बैंक के पास एंड गॉट द कंप्लायंस डेट एक्सटेंडेड टू 30 जून 2002। रिपोर्टिंग डेट के पहले ही, मतलब शर्त टूटने के पहले ही, ब्रीच होने के पहले ही वो गया और उसको एक्सटेंड करा लिया फॉर गेटिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इन दिस केस विल बी लोन क्लासिफाइड एज मस्ट बी डिफरेंट। बिल्कुल ये डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो हमने कोई कंडीशन ब्रीच नहीं की थी, यहाँ पे हमने ब्रीच करने के बाद देखना था, मतलब अगर आपने ब्रीच कर दिया तो ये देखना अप्रूवल डेट तक आपने उसको सही करा लिया या नहीं करा, तो उस प्रीवियस केस में हमने सही नहीं किया था, ठीक है, और हम वो देखेंगे 12 महीने वाला कंडीशन। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, शर्त को ब्रीच होने से पहले ही आपने उसको बचा लिया, तो ये ब्रीच का कंडीशन नहीं, मतलब लोन की कंडीशन को आपने ब्रीच नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, इंडेक्स 1 डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एज करंट और नॉन करंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ लोन कोवेनेंट, डज नॉट डील विद द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्रीच। इन दिस केस whether actual breach has taken place or not is to be assessed on June 2002 को ये देखा जाएगा कि actual breach हुआ है या नहीं हुआ। So after the reporting date, जो कि reporting date के बाद है, reporting date तक कोई question नहीं। Consequently, in the absence of the actual breach of the loan covenant as on March 2000, reporting date तक हम देखें कोई breach नहीं, मतलब कोई भी breach है ही नहीं on the balance date, तो हम कोई भी condition देखने को हमारा वो नहीं इंटेंशन, तो अभी भी आपका लोन तो भाई देखो 2005 में ही पे करना है कि नहीं, तो
तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अपनी शर्त को पूरा कराएं और 2005 मतलब कि 12 महीने के बाद ही पेमेंट करें, द लोन विल रिटेन एज अ नॉन करेंट, बिकॉज कि आपने कोई शर्त को नहीं तोड़ा, आपने कोई भी ब्रीच ऑफ द कोविनेंट नहीं किया, मतलब कोई भी कंडीशन आपने नहीं तोड़ा, इसलिए समझ में आया। देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ब्रीच ब्रीच कहां होना चाहिए, ऑन बैलेंस शीट डेट। अब इसमें भी रीपेबल ऑन डिमांड अगर है तो ये हमेशा करंट लायबिलिटी होगा, अगर रीपेबल ऑन डिमांड है। लेकिन जो नॉट रीपेबल ऑन डिमांड है, जैसे कि ये केस में और ज्यादातर केस में जब भी आप लोन लोगे तो नॉट रीपेबल ऑन डिमांड रहेगा, मतलब जब चाहेगा तब, ऐसा नहीं। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब आपको कल बोला कि कल पेमेंट कर दो तो आपको करना पड़ेगा, वैसा नहीं। नॉट रीपेबल ऑन डिमांड मतलब कोई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा एक स्पेसिफाइड डेट पे। तो नॉट रीपेबल ऑफ डिमांड में आपने क्या किया, ब्रीच किया कोविनेंट्स को, कोविनेंट्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट के कोविनेंट्स को आपने ब्रीच किया। आपका ब्रीच क्या है, दो टाइप का है, एक माइनर ब्रीच हो गया, एक आपने ब्रीच किया कोई माइनर ब्रीच हो गया और कोई मेजर ब्रीच भी हो गया, मतलब छोटा मोटा ब्रीच है तो इसका तो आप नॉन करंट लायबिलिटी ही क्लासिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेजर ब्रीच है, मेजर ब्रीच में आपको ये देखना है कि आप उसको टिल अप्रूवल डेट, मतलब जब बैलेंस शीट अप्रूवल डेट का मतलब क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड है, मान लीजिए 31 मार्च ये क्लोजिंग है और यहाँ 30 सितंबर तक आप उसको रीपे कर देते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ तक आपको क्या करना है, टिल अप्रूवल डेट तक उसको ठीक ठाक करा लेना, मतलब आपने कंडीशन ब्रीच की लेकिन ऑडिट आपका यहाँ पे हो रहा है तो आपने अभी तक भी उसको सही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, अप्रूवल डेट तक नहीं किया तो करंट लायबिलिटी होगा। अगर आपने अप्रूवल डेट तक उसको सही करा लिया तो वो एनसीएल ही रहेगा, ठीक है। मैंने इसको डिटेल में बताया प्रीवियस वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हो अगर आपको अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। ये हो गया आपका पैरा इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं, ओहो और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको लग रहा है कि आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर क्या हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो आपको हम लोग कराएंगे वो अगले वीडियो में कराएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 13। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए हमें कि कैसा लगा। और 13 नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 और लास्ट के 4 क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल, आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। शुक्रिया, बाय।